हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोडेम का। मोडेम को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि मोडेम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। मोडेम एक्चुअली जो होता है ना, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। मोडेम क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस होता है जो किसी भी डेटा को आपको इंटरनेट पे ट्रांसमिट करने का काम करता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको आपको यदि इंटरनेट के थ्रू आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है तो आपको मोडेम की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। तो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आपको मोडेम जो है ना दो प्रकार का होता है, इंटरनल मोडेम एंड एक्सटर्नल मोडेम। तो आपके मोबाइल में और लैपटॉप में इनबिल्ट आता है जो मोडेम होता है इंटरनल मोडेम, और जो हम लोग बोलते हैं डोंगल मोडेम, वो जो है ना डेस्कटॉप में हम लोग एक्सटर्नली यूज लगाते हैं और इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, होता है हमारा एक्सटर्नल मोडेम। तो मोडेम क्लियर हो गया कि मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ठीक है ना। तो ये काम किसका है? आपके मोडेम का, ठीक है ना। मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना। डीमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन उसका फुल फॉर्म होता है। यदि बात करें तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मोडेम। देखिए, मॉड्यूलेशन से MO ले लिया गया है, ठीक है ना, और डीमॉड्यूलेशन से DEM लिया गया है, तो क्या बन गया आपका? मोडेम। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का शॉर्ट फॉर्म मोडेम कहेंगे, या इसका वाइस वर्सा कि मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब देखिए, ये ट्रांसमिट कैसे करता है? जब हम लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो क्या होता है? वो डिजिटल के फॉर्म में रहता है, और आपका डिजिटल डाटा जो होता है वो 0-1 होता है। डिजिटल क्या होता है? 0 और 1 होता है, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, 0 और 1 डिसकंटिन्यूअस डेटा होता है आपका, 0-1 यानी डिजिटल डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा कौन होता है? तो आपका एनालॉग डेटा। जो एनालॉग डेटा होता है वो होता है आपका कंटिन्यूअस। जैसे कि आपका डेटा की बात करें एनालॉग, तो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, वेट हो गया, दीज आर द एनालॉग डेटा। इसीलिए जो एनालॉग डेटा पे काम करता है जो डिवाइस, उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के श्रेणी में रख देते हैं, ठीक है ना। और वैसा डिवाइस जो 0-1 पे काम करता है उसको डिजिटल डिवाइस या डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो तरह का सिग्नल आपके पास है। तो ट्रेवल जब करने की बात आती है, जब ट्रांसमिट हम लोग करते हैं डेटा को, तो हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा अवेलेबल है वो तो आपका डिजिटल डेटा है, तो डिजिटल डाटा तो ट्रांसमिट होगा नहीं, तो डिजिटल को जरूरत पड़ता है किसमें कन्वर्ट करने की? एनालॉग में कन्वर्ट करने की। और ये सिग्नल ही दो तरह का होता है। सिग्नल क्या होता है? दो टाइप का, डिजिटल और एनालॉग। तो डिजिटल से जो है ना एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उस डेटा को हम लोग कहीं सेंड नहीं कर पाएंगे, वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही जो है ना डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए डीमॉड्यूलेशन जो है ना यहाँ पे वर्क करना शुरू करता है, और ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, जिस डेटा को आप आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और वन प्लेस टू अनदर प्लेस आराम से सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, डाटा को स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है ना। तो जिसके पास आप भेजे हैं, मेल हो या मैसेज हो, ठीक है ना, तो गया है एनालॉग के फॉर्म में, और एनालॉग के फॉर्म में तब आपका कंप्यूटर जो है ना रिसीव नहीं करता, आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है ना। तो रिसीव करने के लिए आपको फिर से आप जब मोडेम को एक्टिव करते हैं तो वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन काम करना शुरू करता है, और यही डीमॉड्यूलेशन क्या करता है कि आपके फिर से इस एनालॉग सिग्नल को कहाँ कन्वर्ट करता है? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, जिसको आप आसानी से वहाँ पे रिसीव करके देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वर्किंग प्रोसेस, हो गया मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जब आपको डिजिटल डाटा मिलेगा और आपको ट्रांसमिट करना है तो मॉड्यूलेशन वर्क करता है, और उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है और सेंड करने का काम करता है, ठीक है ना। जब आपको रिसीव करने की बात आती है तो वहाँ पर डीमॉड्यूलेशन काम करता है, और उस एनालॉग सिग्नल को रिसीव करके और डिटेल में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम लोग आसानी से उस मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख पाते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया आपका अकॉर्डिंग टू मोडेम। तो मोडेम के बारे में ये कॉन्सेप्ट हो गया डिटेल्स में। मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसमिट करने का या सेंड करने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन जो है ना डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और उसको इंटरनेट पे सेंड करता है, और डीमॉड्यूलेशन जो होता है ना उस डेटा को रिसीव करता है इंटरनेट से, और रिसीव करने के बाद फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम लोग आसानी से उसे देख पाते हैं। तो दी जाता कॉन्सेप्ट ऑफ मोडेम। उम्मीद है कि आपको मोडेम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए।